फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ग्रुप डी का नया वैकेंसी का जो भी इंतजार कर रहे हैं बच्चे भैया, एक जो है ग्रुप डी का बहुत सारा पोस्ट जिसमें से लगभग 10 के करीब में पोस्ट है, उस पोस्ट को सरेंडर करने का मतलब कि हटा देने के लिए भैया रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड का आदेश आया है। और यह एक तरीका से अच्छा खबर नहीं है, बुरा ही खबर है। दूसरा बात क्या है, इससे बहुत सारे के मन में ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रुप डी में जो नया वैकेंसी है अब नहीं आएगा। क्या ग्रुप डी में नया वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा? इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। और कहिएगा सर ये क्या ऑफिशियल है, तो आपको बता दें ये लेटर आपका बिल्कुल ही ऑफिशियल है। चलिए सबसे पहले हम आपको इस लेटर को जरा सा आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यह लेटर आपका कब का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड 21/7/2023 21 जुलाई 2023 का आपका ये लेटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका सभी जो जनरल मैनेजर है उसको भेजा गया है। तो हम लोग इस लेटर को भी देखेंगे और जो भी आपका मन में डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप डी में नया वैकेंसी का लेके आपका क्या है, कि कौन कौन सा पोस्ट सरेंडर कर दिया गया है, मतलब बोला गया है कि इस पोस्ट को खत्म कर दीजिए, अब से भैया रेलवे में उस पोस्ट का वैकेंसी नहीं आएगा। मैक्सिमम आपको देखने को ऐसा लगेगा कि ग्रुप डी का ही है, हर चीज डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो टेस्ट बुक का पास ले सकते हैं। अभी आपका ऑफर चल रहा है, टेस्ट बुक का अंतिम बार है। इसमें आप देखिएगा टेस्ट बुक का एक साल का पास लेते हैं 269 में और आपका टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं 359 में। इस कोड को अगर आप लगाते हैं कैपिटल एम जी एम कोड को लगाइएगा तब ही जाके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर टेस्ट बुक का पास लेते हैं, देख लीजिए 26 से 29 जुलाई तक आपका ऑफर है। इस कैपिटल MGM कोड को जैसे आप लगाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारा एग्जाम है जैसे कि आपका SSC या फिर अदर आपका एग्जाम है, शिक्षक भर्ती, ये सब का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे, वहां से आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए जरा सा हम लोग इसको समझते हैं, आपके सामने ये जो दिया गया है इसको आ जाइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट आपका देख लीजिए लेटेस्ट है, कोई अलग डेट नहीं है। किसी को भी अगर कुछ भी बोलना हो, नहीं समझ है तब ही भैया आके ये कीजिएगा, वरना नोटिस को देखिए और नोटिस को आप समझिए। इसको थोड़ा और जूम कर दे क्या, चलिए इसको थोड़ा सा हम और जूम कर दिए जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर तरीका से दिखाई देगा। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 21/7/2023 और आगे का अगर देखा जाए तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर, ठीक है। क्या किया गया, सब्जेक्ट क्या है, सरेंडर ऑफ पोस्ट इन रिडंडेंट कैटेगरी। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, रिडंडेंट मतलब कि अनावश्यक, जिसका आवश्यकता नहीं है उस पोस्ट को भैया, जिसका जरूरत नहीं है उसको हटाया जाए पोस्ट को। कौन कौन सा पोस्ट आया है, ऑन एनालिसिस ऑफ द HRMS डाटा इट हैज बीन फाउंड दैट द फॉलोइंग कैटेगरी आइडेंटिफाइड एज रिडंडेंट, मतलब जिसका आवश्यक नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट आर स्टिल इन ऑपरेशन। कि ऐसा बहुत सारा, मतलब रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ऐसा बहुत सारा पोस्ट है जिसका जरूरी नहीं है, फिर भी उसमें अभी भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, उस सब पोस्ट को हटाया जाए, आदेश दिया गया रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से। आगे का तरफ हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और उस पोस्ट को देखने के बाद आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहा है वो भी हम लोग जो है डिस्कशन कर लेंगे। देखिए ऑन एनालिसिस कौन कौन सा है, देखिए बियरर पहला नंबर है आपका, बियरर दूसरा नंबर है, कैंटीन असिस्टेंट, कारपेंटर का, चौकीदार का, उसके बाद आपका कमर्शियल पोर्टर का, कुक का, पेंटर का, उसके बाद आपके सामने रिकॉर्ड सॉर्टर का, सफाई वाला, हाउसकीपिंग असिस्टेंट का, वाटर कैरियर का। ये जितना लगभग जो है टोटल देखा जाए तो 10 के करीब में पोस्ट है, 10 के करीब में पोस्ट है जिसको कहा गया है हटाने के लिए। रेलवे आर रिक्वेस्टेड टू एसेस ऑल पोस्ट इन दिस कैटेगरी एंड वाइड इन डिसीजन रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन सरेंडर ऑफ दिस पोस्ट। सरेंडर करने को कहा गया, पोस्ट शुड बी कंटिन्यूड ओनली इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर पोस्ट को कंटिन्यू तब ही कीजिए अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, अगर अल्टरनेटिव है तो जितना जल्दी हो सके। रेलवे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सेंसन ऑन रोल एंड वैकेंसीज इन दिस कैटेगरी अलोंग विथ यूनिट वेयर देयर आर ऑपरेटेड एंड डिसीजन रिगार्डिंग सरेंडर कंटिन्यूइंग विथ जस्टिफिकेशन। अगर जरूरी नहीं है तो भैया उस पोस्ट को हटा दिया जाए। ऐसा ये कौन सा पोस्ट है, यहीं से आपका बात उठने लगा कि जितना भी आपका ग्रुप डी का जो है, जैसे कि किसका ये जितना भी पोस्ट है ये सब आपका ग्रुप डी का वैकेंसी के अंतर्गत आता है। और आपके सामने जो भी देख रहे हैं कैंटीन का, कैंटीन असिस्टेंट का देख रहे हैं, जैसे कि रेलवे में पेंट्री कार देखते थे, रेलवे में पेंट्री कार, तो आपको पता है ये आज से नहीं है, ये आपका जो ग्रुप डी 2019 वाला वैकेंसी आया हुआ था वहां पे भी ये सब पोस्ट का लगभग नहीं था सीट। ऐसा बिल्कुल में जो ग्रुप डी 2019 में 1.03 लाख वैकेंसी आया था तो वहां पे भी लगभग इसमें से मैक्सिमम सीट नहीं था। कुक का जो पेंट्री कार के अंदर कुक रहता है या फिर पेंटर हो गया, एक दो पोस्ट जो है वो भैया आप कह सकते हैं कि था,
लेकिन 90% पोस्ट नहीं था। तो इससे आप बिल्कुल भी, ये तो है ही, ये तो बहुत खराब है, ये तो हम लोग के लिए खराब है कि भैया इस हिसाब से वैकेंसी का जो है पोस्ट को कम कर देंगे। ये चीज़ गलत है कि पोस्ट को घटाया जा रहा है, इस पोस्ट को हटा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरा हिसाब से जो लोग का कहनाम है कि सर ग्रुप डी में आपका नया वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, ये गलत है। क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि 2019 में जो 1.3 लाख वैकेंसी आया हुआ था, ये सब पोस्ट नहीं था। इसका मतलब इससे आप बिल्कुल भी डरिए नहीं कि नया वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब पोस्ट से ग्रुप डी का नया वैकेंसी पर कोई भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखें, जब 1,03,000 वैकेंसी आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारा पोस्ट है ये आपका ग्रुप डी में नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कोई कहता है कि 10 पोस्ट को खत्म कर दिया गया है तो ग्रुप डी में नया वैकेंसी सामने 23 में नहीं दिखाई देगा, यह भैया गलत है। इससे आप लोग बिल्कुल भी दूर रहिए, क्योंकि आपके सामने सरकार तो रवैया जो कर रहे आप देख ही रहे हैं, वो तो लेट कर रहा है वैकेंसी के एकदम इलेक्शन के सामने, वैकेंसी देने को नजरिया पे है। जैसे 19 में भी इलेक्शन के जस्ट सामने आया था, लेकिन ये बिल्कुल भी दिमाग में आप लोग मत रखिए कि वैकेंसी ही नहीं आएगा, ग्रुप डी का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और खैर क्या करें, नया वैकेंसी का इंतजार करने के लिए हम लोग भी प्रयास कर ही रहे हैं अपने स्तर से। बहुत सारे बच्चे लोग भी ग्रुप बना बना के प्रयास कर रहे हैं, एक दो ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे, हर एक राज्य के बच्चे हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। खैर प्रयास कीजिए, हम भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इतना आप लोग बता दें कि ग्रुप डी हम लोग कुछ देर और वेट कर रहे हैं, ग्रुप डी में नया वैकेंसी या फिर ALP वैकेंसी या फिर रेलवे में नया वैकेंसी, भैया हम लोग लेकर ही रहेंगे, भले आगे जो भी जो हम लोग को आगे भैया एक उचित स्टेप उठाना पड़े, ठीक है। चलिए शांतिपूर्ण जो भी स्टेप उठाना पड़े हम लोग उठाएंगे, और रेलवे में नया भर्ती हम लोग लेके भी रहेंगे। आगे आप लोग पीछे आप लोग का जितना है सपोर्ट किए हैं, आगे भी आप लोग का सपोर्ट करते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होइए, ठीक है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, चैनल को आप लोग शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी को।